मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस तैयार हो गई है। शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों की अनुमति रहेगी। बड़े मेलों पर रोक रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया। मीटिंग में ही मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना भयावह होता जा रहा है। जनवरी के शुरुआत में कोरोना की रफ्तार चौंकाने वाली है। दिसंबर में एक दिन में जितने औसत केस आ रहे थे उतने अब हर घंटे में आ रहे हैं। दिसंबर में औसत 29 केस एक दिन में आए हैं। जनवरी में चार दिन की रिपोर्ट देखें तो हर घंटे औसत 26 केस निकल रहे हैं। प्रदेश की संक्रमण दर भी 1% हो गई है। भोपाल में चड्डी बनियान गैंग के बाद बरमुंडा टी शर्ट पहनकर चोरी करने वाला गिरोह सामने आया है। कोलार की मधुबन सोसाइटी कवर्ड कैंपस में बरमुंडा टी शर्ट गैंग के चार सदस्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। वे कैंपस के एक सूने मकान में चोरी करने पहुंचे थे। हालांकि वे वारदात करने में सफल नहीं हो पाए। कोलार पुलिस गैंग की तलाश में जुटी हुई है। गैंग का पता चलने के बाद कैंपस के रहवासी दहशत में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और AIU पश्चिम क्षेत्र बैडमिंटन का शुभारंभ किया। शिवराज ने बैडमिंटन में हाथ आजमाए। लोकार्पण कार्यक्रम में कहा, कोर्ट में जाकर मेरी तो इच्छा हो रही थी कि थोड़े से शॉट्स और लगाऊं, लेकिन VC साहब तो मैदान से हट गए। मैं यहां अतिथि नहीं हूं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24/7 टोल फ्री नंबर शुरू किए गए हैं। श्रद्धालु महाकाल मंदिर के बारे में दान, दर्शन, आरती, पूजन और दूसरी जानकारी ले सकेंगे। नंबर 24 घंटे सातों दिन चालू रहेगा। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने फैसिलिटी सेंटर 1 में कंट्रोल रूम और जन सुविधा केंद्र शुरू किया है। कर्मचारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। मंदिर समिति ने एक टोल फ्री नंबर और 5 लैंडलाइन नंबर जारी किए हैं। कंट्रोल रूम का पूजन मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा ने कराया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।